महाभारत एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें अनेकों रहस्य छुपे हैं। इसके प्रत्येक पात्र की अपनी एक कहानी है। इसके मुख्य और प्रभावी पात्रों में से एक है कर्ण, जो अपनी धनुर्विद्या और गुणों के कारण प्रख्यात है। देव पुत्र और कुंती पुत्र होते हुए भी उन्हें सूत पुत्र का जीवन यापन करना पड़ा। उन्हें सदैव अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि क्यों एक देव पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपना पूरा जीवन एक सूत के घर में व्यतीत किया? क्यों उनकी माता कुंती ने उनका त्याग किया? आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण को। कुंती एक धर्म परायण नारी थी, जो सदैव सेवा और पुण्य के कार्य करती थी। एक बार उन्होंने सच्चे दिल से ऋषि दुर्वासा की सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया, जिसके प्रभाव से कुंती जिस भी देवता से संतान प्राप्ति की इच्छा रखेंगी उसे प्राप्त होगा और इससे कुंती के कौमार्य पर कोई हानि ना होगी। यह आशीर्वाद प्राप्त कर कुंती जब अपने राजमहल आई, उसके मन में विचार आया कि क्यों न मैं इस मंत्र का प्रयोग करके देखूं। तभी उसने सूर्य देवता का आवाहन किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई, जिसे देख कुंती भयभीत हो गई कि अब वह इस बालक को कैसे अपने साथ रख पाएंगी। बिना विवाह के इस पुत्र को साथ रखने से कुंती एवं पुत्र दोनों के चरित्र पर सवाल उठेंगे। अतः वह कठोर मन से कर्ण को त्यागने का निर्णय लेती है और उसे गंगा में बहा देती है, जो सूत अधिरथ को प्राप्त होता है। इसके बाद कर्ण का पालन पोषण सूत अधिरथ और उसकी पत्नी राधा करते हैं। इसी वजह से कर्ण को सूत पुत्र और राधे भी कहा जाता है। कर्ण बचपन से ही धनुर्विद्या प्राप्त करना चाहता था, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। वे किसी भी तरह शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने भगवान परशुराम से ये झूठ बोला कि वे ब्राह्मण है और उनसे धनुर्विद्या प्राप्त की। हालांकि जब इस झूठ के बारे में परशुराम जी को पता चला तो वे कर्ण को श्राप भी दे देते हैं। धनुर्विद्या प्राप्त करने के पश्चात दुर्भाग्यवश उसकी मित्रता दुर्योधन से हो जाती है और वह महाभारत के इस प्रचंड युद्ध में अपने ही सगे भाइयों के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो जाता है। दुर्योधन की तरफ कर्ण को पाकर कुंती विचलित थी। परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने कर्ण के सामने वो रहस्य प्रकट करना उचित समझा, जिसे कुंती ने वर्षों से छिपा कर रखा था। कर्ण प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे और उस समय उनसे यदि कोई दान मांगता था तो वे कभी मना नहीं करते थे। इसलिए माता कुंती कर्ण के पास उसी समय गई जब कर्ण सूर्यदेव की आराधना में निमग्न थे। आराधना पूरी हुई तो उसने अपने सामने महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता को पाया। माता कुंती ने कर्ण को बताया कि वे सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र है और पांचों पांडव तुम्हारे भाई है। अगर पांचों पांडव और तुम साथ में मिल जाओ तो संसार की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती और तुम मेरे बड़े पुत्र हो, इसलिए मेरे पुत्र तुम्हारे अधीन रहेंगे। कर्ण सब कुछ सुन लेने के बाद बोला, माँ तुम्हारी ये सभी बातें धर्म विरुद्ध है। मैं ये नहीं कर सकता। मैं धृतराष्ट्र पुत्रों को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे धन सम्मान और गौरव दिया है। मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े मैं उनका ही साथ दूंगा। कर्ण की ये बातें सुनकर माता कुंती ने उसे अपने गले से लगा लिया। कुंती की आंखों में आंसू थे। वह थोड़ा रुककर बोली, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। कर्ण को आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल की ओर चली गई। भाई होने के बावजूद भी पांडव और कर्ण एक दूसरे के समक्ष लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी कुंती ये सच अपने अन्य पांच पुत्रों से कह नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त होता है। जब इस बात की खबर कुंती को मिलती है तो वह दौड़ती हुई रण क्षेत्र में आती है और युधिष्ठिर से कर्ण का अंतिम संस्कार करने को कहती है, जिस पर युधिष्ठिर कुंती से इसका कारण पूछते हैं। तब कुंती सभी को पूरा सच बताती है, जिससे दुखी होकर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती को श्राप देते हैं कि जिस सत्य को छिपाने से भाई के हाथों भाई की मृत्यु हुई, ऐसे सत्य कभी कोई नारी जाति अपने भीतर नहीं छिपा पाएगी। तभी से ये कहा जाता है कि कभी किसी नारी के पेट में कोई रहस्य नहीं रह सकता। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ,
बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।